हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमारे टास्क 9 के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो टास्क 9 है, इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हर रिक्वेस्ट से पहले हमें एक टाइम स्लिप लगाना है, ठीक है। टाइम स्लिप भी एक रैंडमली हम टाइम स्लिप लगाएंगे 1 से लेके 3 के बीच में। वो टाइम स्लिप क्यों लगाना है और क्यों हम मतलब रिक्वेस्ट हर रिक्वेस्ट के आगे हमें टाइम स्लिप लगाने की ज़रूरत होती है, वो सारा यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। अगर समझो आपने जैसे IMDB पे बहुत सारे मूवीज़ का डेटा है, ठीक है, करोड़ों मूवीज़ का डेटा है। जैसे अगर हम 10 करोड़ मूवीज़ पर अगर हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, यानी हम 20 करोड़ बार हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगर हम 10 करोड़ मूवीज़ भी अगर रिक्वेस्ट भेजते हैं, यानी हम 20 करोड़ बार वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, क्योंकि हर बार पेज ओपन होगा, फिर डेटा स्क्रैप होगा, फिर आएगा, फिर रिक्वेस्ट जाएगा। ऐसे 20 करोड़ बार होगा। तो इतनी बार अगर हम किसी सर्वर पे अगर कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो सर्वर को पता चल जाएगा कि ये जो रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं वो कोई स्क्रैपर है, ना कि एक ह्यूमन यूज़र, क्योंकि ह्यूमन यूज़र कभी इतना रिक्वेस्ट कंटिन्यूसली नहीं भेजते, ठीक है। तो स्क्रैपर की मदद से हम इतनी रिक्वेस्ट आराम से भेज सकते हैं। पर क्या होगा कि अगर जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये कोई स्क्रैपर है, तो वो हमारे IP एड्रेस को ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहली बात तो हमें हर टाइम स्लिप से पहले रिक्वेस्ट भेजनी है, हर रिक्वेस्ट से पहले टाइम स्लिप लगाना है। और उसके साथ ही साथ हमें क्या करना है, जब भी हम कोई इंटरनेट यूज़ करें तो ट्राई करें कि हम मोबाइल इंटरनेट यूज़ करें, ताकि वो हमारे IP को आसानी से ब्लॉक ना करे, क्योंकि जब भी हम मोबाइल इंटरनेट को ऑन ऑफ करते हैं तो हर बार नया IP उसे असाइन हो जाता है। तो नए IP से उस अगर सर्वर ने अगर एक IP ब्लॉक कर दिया, तो हम दूसरे फिर से ऑफ करके इंटरनेट फिर ऑन करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि IP चेंज हो जाएगा और फिर से हम उस फंक्शन को या फिर उस कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिससे हमारा डेटा आ जाएगा। तो हमने बेसिकली इसमें क्या करना है कि 250 मूवीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है, और हर रिक्वेस्ट से पहले हमें 2-3 सेकेंड का टाइम स्लिप लगाना है और उसे पूरे कैश मेमोरी में हमें स्टोर करवा लेना है, ठीक है। तो बहुत आसान सा कोड है, कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो आपको रैंडम और टाइम स्लिप मॉड्यूल को कैसे इंपोर्ट करवाना है और कैसे टर्मिनल पे हेल्प्स की मदद से आप उसके डॉक्यूमेंटेशन को भी पढ़ सकते हो, सारा दिया है। आप इस टास्क को अच्छे से पढ़ लेना तो आप आसानी से समझ जाओगे। तो हम डायरेक्ट कोड देखते हैं कि हमें कोड में करना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें रैंडम और टाइम इन दोनों को इम्पोर्ट करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो task 4 का जो फंक्शन था, ठीक है, स्क्रैप मूवी डिटेल्स का, उसमें क्या करेंगे हम task 9 के लिए एक रैंडम स्लिप नाम का वेरिएबल लेंगे, जिसमें हम रैंडम डॉट रैंडिंट करके 1 से लेके 3 तक कोई नंबर जनरेट करेंगे। फिर उसके बाद हम नीचे जहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उस पेज पे, उसके ऊपर हम एक टाइम स्लिप लगा देंगे, ताकि हर रिक्वेस्ट के बाद वो इतना सेकेंड्स रुके, फिर दूसरी रिक्वेस्ट जाए, ठीक है। रैंडम स्लिप मैंने यहाँ पे लगा दिया, ताकि ये देखो यहाँ पे अगर आप देखो तो टाइम टाइम डॉट स्लिप और रैंडम स्लिप को यहाँ पे एज अ आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमें एक नंबर मिलेगा। हर रिक्वेस्ट के बाद वो टाइम स्लिप लग जाएगा। तो मैं अब इस कोड को रन करता हूँ, तो क्योंकि 250 मूवीज़ का डेटा हमें स्क्रैप करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो रन करने के बाद मैं इस वीडियो को पॉज करूँगा, फिर जैसे ही आउटपुट आता है फिर हम मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आउटपुट आ चुका है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो कि एक लिस्ट के अंदर 250 मूवीज़ का पूरा डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे 250 मूवीज़ का है जो है पूरा यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर जैसे मैंने कहा था कि हम ये पूरा जो है डेटा जो है एक कैश मेमोरी में सेव कर लेंगे, तो हमने 250 मूवीज़ पे कैसे कोड चलाया वो था गेट मूवी लिस्ट डिटेल को कॉल करके। जैसे हमने task 5 में ये फंक्शन लिखा था, जहाँ से 250 मूवीज़ का हम डेटा स्क्रैप कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं से मैंने बस उस फंक्शन को कॉल किया और उसको प्रिंट करवाने पे ये आया आउटपुट में। तो अगर आप ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे 250 मूवीज़ का डेटा जो है मेरे डेटा नाम के फोल्डर में, जो मूवीज़ डिटेल नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर ये पूरा
डेटा स्टोर हो चुका है जेसन के फॉर्मेट में उसके आईडी के हिसाब से, ठीक है। ये 250 है, अगर आप कंट्रोल ऑल करो तो यहाँ पे देख सकते हो 250 आइटम्स, तो 250 फाइल्स यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब मैं जब इसको फिर से दोबारा रन करूँगा तो ये आउटपुट जो है मुझे विद इन अ सेकेंड मिल जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे रन किया तो आउटपुट मुझे मिल गया यहाँ पे। तो पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर डिक्शनरी जो है इसके अंदर वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, स्ट्रिंग के अंदर डिक्शनरी, यानी ये जो आउटपुट आ रहा है वो मुझे कहाँ से मिल रहा है, बेसिकली वो मुझे मिल रहा है यहाँ से, इन फाइल्स में से, क्योंकि जेसन के अंदर जो भी डेटा होता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ से मुझे वो आउटपुट मिल रहा है, मतलब हमारा जो कोड है हमने लिखा है वो सही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।